हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लॉन्च पैड। और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो डिलीवरीज के बारे में, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े बॉलर्स जिमी एंडरसन हो, ट्रेंट बोल्ट हो, टिम साउदी हो, सभी लोग इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। तो पहली डिलीवरी हम लोग बात करेंगे इन स्विंग के बारे में कि परफेक्ट इन स्विंग बॉल कैसे डालते हैं। मेरे हाथ में ये बॉल है और अगर हम लोग को इन स्विंग बॉल डालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी जो पोजिशन है, आपकी फिंगर्स की पोजिशन और आपकी जो अंगूठी की पोजिशन परफेक्ट होनी चाहिए। सीम पर ये देखिए, ये सीम मेरे, आप सीम देख सकते हैं और सीम की जो लाइन होगी, जो पोजिशन होगी, वो होगी लेग स्लिप की तरफ। शाइनी पार्ट जो होगा वो मेक श्योर करिए वो आउटसाइड में हो, शाइनी पार्ट आउटसाइड में है। और ये जो मेरा आप थंब देख रहे हैं बिल्कुल नीचे है और थंब और मेरे आप ये जो हथेली का पार्ट है उसमें देखिए गैप है, इसमें गैप मौजूद है। मेरा अंगूठा परफेक्टली प्लेस है नीचे और हल्की सी जो सेम पोजिशन है वो मैंने टिल्ट कर रखी है लेग स्लिप की तरफ। और जब मैं बॉल डिलीवर करूंगा, जब मेरा एक्शन आएगा इवेंचुअल, जब मैं फिनिश कर रहा हूं, तो कॉक ऑफ द रिस्ट, आपको यहां से बॉल, आपको यहां से ऐसे करना है। और उस जैसे आप ये करेंगे तो बॉल में एक अलग ही एनर्जी डेवलप होगी और सीधे बॉल इन स्विंग की तरफ चली जाएगी, बैट्समैन की तरफ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप किस एंगल से या किस लाइन से आप स्विंग कराना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने एम करा कि आप मिडिल स्टंप पे एम कर रहे हैं बॉल और वहां से स्विंग करा रहे हैं, तो बॉल वाइड हो सकती है। तो आप एम करिए कि अगर बैट्समैन यहां बैटिंग कर रहा है तो आप एम करिए बॉल स्विंग कराने के ऑफ स्टंप से। अगर आप ऑफ स्टंप पे बॉल पिच करने की कोशिश करेंगे तब बॉल अंदर यहां पर बैट्समैन के पैड में आके लगेगी, अंदर आएगी। अगर आप बॉल यहां से स्विंग कराने की कोशिश करेंगे तो बॉल बाहर चली जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो लाइन, बॉल की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं अगर रिपीट कर दूं कि जो शाइनी पार्ट है वो रहेगा आउटसाइड और जो आपकी पोजीशन है आपके थंब की और आपकी जो सीम की वो होगी लेग स्लिप की तरफ, लेग स्लिप की तरफ ये बॉल जा रही है। तो अगर आप ये बेसिक फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी जिमी एंडरसन की तरह, जेम्स एंडरसन को आपने देखा होगा, आउट स्विंग हो चाहे इन स्विंग हो, महारत हासिल है उसमें। और अगर आपको इन स्विंग करना आती है तो हमेशा बैट्समैन गैस मोड में रहेगा, वो गैस करता रहेगा कि कौन सी बॉल अंदर आएगी, कौन सी बॉल बाहर आएगी। और हमेशा आप याद रखिए, अगर आपको स्विंग टेक्निक आती है, अगर आप पेसर हैं, मीडियम पेसर हैं, अगर आपको बॉल स्विंग कराना आता है, तब कितना भी बड़ा बल्लेबाज आपके सामने हो वो डेफिनेटली आपसे थोड़ा अवेयर रहेगा, आपसे डरेगा और डिफिकल्ट होगा उसे बॉल पिक करना। क्योंकि बॉल अगर सीधे सीधे आ रही है तो फिर तो आसानी से बॉल ड्राइव कर सकते हो, आप कहीं भी शॉट लगा सकते हो। अगर आप में ये कैपेबिलिटी है स्विंग कराने की, इन स्विंग कराने की, आउट स्विंग हम लोग कर चुके हैं, जो कि आप वीडियो में हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि आउट स्विंग कैसे करानी है, इन स्विंग मैंने आपको आज बता दी। इसके अलावा, इन स्विंग के अलावा अगर आप मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो स्लोअर डिलीवरीज कितनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। क्योंकि T20 क्रिकेट जब से आया है तब से आपने देखा होगा बैंग बैंग क्रिकेट है, कितना ज़्यादा इनोवेशन आ गया क्रिकेट में, बहुत ज़बरदस्त बल्ले आ गए हैं, तो बॉल ज़बरदस्त टाइम होती है और जितना आप पेस दोगे बॉल पे उतने लंबे हिटे जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पेस को वेरी करें। तो आपने जितने भी बड़े बॉलर्स देखे होंगे वर्ल्ड वाइड, जितने भी बड़े बॉलर्स हैं, चाहे आप जेम्स एंडरसन को ले लें, ट्रेंट बोल्ट को ले लें, आप भुवनेश्वर कुमार को ले लें, हमारे मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी को भी आपने देखा होगा इस वर्ल्ड कप में, सभी लोगों की बेहतरीन स्लोवर डिलीवरी भी डेवलप कर ली उन्होंने। और मैं आज बात करूंगा बैक ऑफ द हैंड स्लोवर डिलीवरी का। तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बैक ऑफ द हैंड स्लोवर डिलीवरी जब आप डाल रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि जब आप पीछे से बॉल डाल रहे हैं तो आपका जो, आपको बॉल नहीं दिखानी है बाय द वे, आपको अपना हाथ दिखाना है, रिस्ट पोजीशन ये रहेगी, आपको जो अपना हाथ है वो बैट्समैन को दिखाना है। और ये सारी चीज़ें एक ही मोमेंटम में आ रही हैं। अगर आप रुक के जिस एक्शन में आप आ रहे हो, आप रुक के अपने एक्शन को डिफरेंट करोगे, जैसे इमेजिन करिए जो आपकी स्टॉक डिलीवरी है 135 की है और सडनली आप सेम मोमेंटम में आके रुक के बॉल ऐसे कर रहे हो तो बैट्समैन कैन पिक इट अप। सेम मोमेंटम में सबको जाना है और जो आपका ये है लाइक आपका जो पाम है वो बैट्समैन को फेस करेगा और फिर इवेंचुअली आप बॉल पीछे से ऐसे डिलीवर करेंगे। और उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करिए, पूरे मोमेंटम बनाने के लिए नेट्स के सामने खड़े हो जाइए और बार बार आप ऐसे ट्राई करिए, इस पोजीशन को पीछे से डालने की कोशिश करिए। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आप फुटेज भी यहाँ यूज़ किया है कि कैसे आप बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल डाल सकते हैं। बैक ऑफ द हैंड आप दिखा रहे हैं किसको, बैट्समैन को दिखा रहे हैं। और जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इम्प्रूव होंगे। और ये जो डिलीवरीज हैं ये ज़्यादा प्रैक्टिस से आती हैं, ओवरनाइट आप नहीं सीख सकते हैं। तो आपका एक्शन नहीं बदलेगा कि आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्शन दूसरा है और स्लोवर के लिए दूसरा है, नहीं, आपका जो हैंड पोजीशन है, जो मूवमेंट है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। आपने देखा होगा लसिथ मलिंगा को भी, लसिथ मलिंगा की जब बॉल 145 वाली जिस पेस पे आती थी और जब वो 120 वाली बॉल भी डालते थे तो जो स्पीड थी हैंड की वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी और लास्ट मोमेंट में आके बॉल को वो यहां से छोड़ देते थे। तो आपको भी यहां से सेम पोजिशन में आ रहा हूँ, सेम मोमेंटम है, सेम वो है, बस यहाँ से ये बॉल मैंने फेंक दी है। देखते रहिए स्पोर्ट्स लॉन्च पैड और भी ऐसे वीडियोज आपके सामने लाते रहेंगे एंड प्लीज़ लाइक इट।